Hi guys, welcome back to another video of Accounts and Data. भाई बड़ी बड़ी चीजें पढ़ ली, कैशबुक पढ़ ली, डबल कॉलम कैशबुक पढ़ ली, अब छोटों के पास भी आ गई। आज अपन बात करने वाले हैं छोटे छोटे खर्चों के बारे में। बड़े बड़े खर्चे सबने देख लिए और बड़े बड़े खर्चे देख के हम लोग काम करते हैं, पर उन छोटे छोटे खर्चों को एलिमिनेट अगर कर दिया ना तो आपकी कंपनी बहुत जल्दी डूबेगी। जैसे कि एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनके पानी पीने का खर्चा, उनके लिए कैंपर मंगाया जाता है या वॉटर बॉटल मंगाई जाती है। एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, वो पेन से काम करते हैं, स्टेशनरी का खर्चा, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ट्रेवल करते हैं कंपनी पे, तो उसका खर्चा, वो पेंसिल पेन मंगाते हैं उसका खर्चा, वो पेपर मंगाते हैं उसका खर्चा। छोटे मोटे खर्चों के बारे में तो कहीं बात ही नहीं हो रही अकाउंट्स में। तो भाई बट हमारे जो अकाउंटेंट जो बिजनेसमैन है ना, वो बड़ा समझदार है, ठीक है। हमारे अकाउंट्स में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, क्या सब लोग बहुत समझदार है। हर खर्चे का हिसाब रखो। 2 रुपए का पेन भी खरीदे उसको भी किताबों में लिख दो, टैक्स की छूट मिलेगी। ये लॉजिक आज छोटा सा बिजनेसमैन भी लगाता है और बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी लगाता है, ठीक है ना। तो इस चीज को या इन छोटे मोटे खर्चों के लिए एक अलग कैश बुक बनाई जाती है, दैट इज नोन एज पेटी कैश बुक। क्या बोलते हैं इसको? पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक मतलब कैश बुक फॉर स्मॉल एक्सपेंसेस, बहुत छोटे छोटे खर्चों के लिए जो बनाई जाती है ना, उसको हम कहते हैं पेटी कैश बुक। पहले इसकी डेफिनेशन देखो, फिर इसका मतलब और इसका फॉर्मेट और इसका क्वेश्चन भी आज ही करेंगे। देखिए, एन एस्टिमेट इज मेड ऑफ द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर पेटी एक्सपेंसेस। पेटी मीन छोटे छोटे एक्सपेंसेस। फॉर अ पीरियड, से फॉर अ वीक, फॉर नाइट और मंथ, हर कंपनी को एक हफ्ते के पेटी कैश के हिसाब से या एक 15 दिन के खर्चों के लिए या एक महीने के खर्चे के लिए बनाते हैं, ठीक है। द अमाउंट सो एसर्टेन इज गिवन टू द पेटी कैशियर इन द बिगिनिंग ऑफ अ पीरियड। दिस अमाउंट सो कॉल्ड इज कॉल्ड इम्प्रेस्ड मनी, और इस पूरे सिस्टम को इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। अब पूरा समझना खेल क्या है। अब एक बात बताओ, स्टेशनरी चाहिए होगी तो एक एम्प्लॉय कहां जाएगा? मैनेजर के पास जाएगा या सीईओ के पास जाएगा? पेन चाहिए, सीईओ के पास जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, अंदाजा लगाया जाता है कि हाँ भाई एक हफ्ते से हम मानते हैं एक महीने के अंदर पेटी कैश के लिए रिफ्रेशमेंट हो गया, पानी हो गया, पेन हो गया, स्टेशनरी हो गई, बाकी इधर उधर के खर्चे सब मिला मिलो के अंदाजन 5 से 10 हजार रुपए मानते हैं। 10 हजार रुपए का खर्चा हर महीने हमारे एम्प्लॉयज के ऊपर हो जाएगा, ठीक है। वो इनकी सैलरी में नहीं है, अलग से होगा, वो तो छोटा मोटा खर्चा। अब ऐसा तो है नहीं कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आपको चाहिए पेन तो बोल जाएगा लाओ 2 रुपए निकालो। ऑफिस का काम है तो ऑफिस ही, कंपनी का काम है तो कंपनी ही पेन का पैसा देगी, कंपनी का काम है तो कंपनी ही पेंसिल का पैसा देगी, कंपनी ही प्रिंटर के कागज लगाएगी। ये तो कॉमन सी बात है, आप समझ रहे हैं चीज। हाँ, हम कंपनी की चीजों का इस्तेमाल करने चलेगा, पर कंपनी हमारी चीजों का इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। हमारे पर्सनल काम भले कंपनी के पैसे पे हो जाए, पर कंपनी के काम हमारे पैसे पे नहीं होने चाहिए। सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ध्यान समझना, इन खर्चों के लिए कंपनी क्या करती है, पेटी कैशियर को अलॉट करती है। वो पेटी कैशियर एक बंदा होता है जिसको उस पीरियड, जैसे एक महीना है तो महीने की शुरुआत में 10,000 रुपए दे दिए जाते हैं, उसके हाथ में रख दिए जाते हैं। पूरा महीना छोटे मोटे खर्चों का वो सारा जो हिसाब होता है वो सब उस 10,000 रुपए में से निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो पूरा जो महीना है उसमें मान लो 8,000 रुपए खर्च हो गए, तो भाई सारा हिसाब होगा, पेटी कैशबुक बनाई जाएगी और उस कैशबुक में लिखा होगा कि भाई यहां 20 रुपए लगे, यहां 30 रुपए लगे, यहां 100 रुपए लगे, यहां 200 रुपए लगे, ऐसे करके उसने पूरे महीने का जो खर्चा था वो लिख दिया। अब उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे महीना एंड हो गया तो महीने एंड के बाद देखा जाएगा कैशियर के हाथ में कितने पैसे पड़े, जैसे बैलेंस निकालने का काम होता है लेजर अकाउंट में कि भाई कि आया था 10,000, खर्चा हो गया 8,000, तो ये पता लगाया कि हाँ भाई 2,000 रुपए जो है वो पेटी कैशियर की जेब में पड़े हैं अभी। अब अगले महीने वो पेटी कैशियर का काम नहीं, उसको तनख्वाह अलग मिल रही है, अगले महीने हम उस पेटी कैशियर को कितने पैसे देंगे, 8,000 रुपए। हमें टोटल खर्चा कितना होता है कंपनी का, एक महीने के अंदर 10,000 रुपए का एम्प्लॉय पे खर्चा होता है, पिछले महीने जो खर्चा हुआ था उसके बाद कंपनी की जेब में 2,000 रुपए और पड़े हुए हैं, तो कंपनी अब 8,000 रुपए और देगी ताकि महीने की शुरुआत में उस पेटी कैशियर की जेब में वापस से कितने हो जाए 10,000। फिर उस महीने में वो पूरा खर्चा चलाएगा, मान लो खर्चा हो गया 3,200 रुपए, अब की बार महीने के एंड में उस कैशियर के पास कितने पड़े, 6,800 रुपए पड़े हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम कंपनी उस कैशियर को कितने देगी, 3,200 रुपए और दे देगी, ताकि महीने की शुरुआत में उस पेटी कैशियर के पास 10,000 रुपए पूरे हो गए। बचता है तो ठीक, नहीं बचता तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हमारा एस्टिमेशन सही है, ठीक है। तो ये आपका पेटी कैश का काम होता है, जो बुक या जो कैश बुक इस चीज को रिकॉर्ड करती है वो पेटी कैश बुक के नाम से जानी जाती है।
ठीक है, दो तरीके की टाइप्स ऑफ पेटी कैश बुक, एक है सिंपल और एक है एनालिटिकल। आज सिंपल के बारे में बात करेंगे, कल एनालिटिकल के बारे में बात करेंगे। सिंपल कैश बुक या सिंपल पेटी कैश बुक, दिस बुक इज एन आइडेंटिकल विद द कैश बुक, ये कैश बुक की तरह ही है करीब करीब, सिंपली डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होगी। ठीक है, एनी कैश रिसीव्ड इज रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड, जो भी कैश आएगा उसको डेबिट साइड लिखना है और जो कैश जाएगा उसको क्रेडिट साइड लिखना है। फॉर्मेट में थोड़ा सा बदलाव है, मैं आपको बता देता हूं। देखो फॉर्मेट में क्या बदलाव है, ये आपका सिंपल पेटी कैश बुक का है। पहला कॉलम है अमाउंट रिसीव, यानी उस पेटी कैश को कितना पैसा मिला। लेजर फोलियो, कि अगर लेजर की किताब में कौन सा पेज नंबर यहाँ पर काम कर रही है। कैश बुक फोलियो, कैश बुक में कौन सा पेज नंबर, ये भी काम कर रही है। डेट, किस तारीख को हुआ वो तो लिखना ही पड़ेगा। पर्टिकुलर, क्यों आया है या क्यों खर्चा हुआ, स्टेशनरी खर्चा हुआ तो स्टेशनरी, पोस्टेज में हुआ तो पोस्टेज। ये वापस आएगा कि भाई वो खर्चा, देखो यहां कैश मिलेगा तो भी आपको ये लिखना है, कैश खर्चा होगा तो भी ये लिखना है। कैशबुक से डिफरेंट क्या है, वहां टू और बाय का अलग अलग कॉलम होता था लिखने का, अमाउंट का अलग अलग भी होता था। यहां पे अमाउंट का तो अलग अलग है पर टू बाय का कॉमन है, क्योंकि ऐसा कुछ खास अपने को बना नहीं, अपने को छोटे मोटे खर्चे हैं तो अपन ने एक ही कॉलम में इसको समझा दिया। ठीक है, उसके वापस से वही चीज, ये तीनों चीज, लेजर फोलियो, वाउचर नंबर और अमाउंट पेड। रिसीव होगा तो उस तरफ, पेड होगा तो इस तरफ। ये देखो कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि पेटी कैशियर को महीने की शुरुआत में दिए 10,000 रुपए, अब वो 10,000 रुपए में जितना भी खर्चा कर रहा है वो सारा खर्चा यहाँ लिख दिया जाएगा, बैलेंस निकाल लिया जाएगा, जो बैलेंस बचेगा वो अगले साल यहाँ अगले महीने की शुरुआत में आ जाएगी, भैया 2,000 रुपए पहले से पड़े हुए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उसको अब बचा हुआ बैलेंस यानी कि 8,000 रुपए और दे दिए जाएंगे और फिर महीना उसका चालू हो जाएगा। ऐसे वो कैश बुक का काम, पेटी कैश बुक का काम वो पेटी कैशियर करता रहता है। सुनना है खेल किस तरीके से चल रहा है, ध्यान रखना कैशबुक के बाद ही पेटी कैशबुक या कैशबुक के साथ ही पेटी कैश बनाया जाता है, क्योंकि खर्चे की रिकॉर्डिंग कैशबुक में भी होगी। पेटी कैशबुक में छोटे छोटे खर्चे की सारी रिकॉर्डिंग होती है, जनरली जैसे आपका होता है ना मिसलिनियस एक्सपेंसेस, कि सारे एक्सपेंसेस इकट्ठे करके एक साथ लिख दो, उसी तरीके से हम पेटी कैश एक्सपेंसेस भी इकट्ठे करके वहां एक साथ लिख सकते हैं। अब ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन आपको कराता हूं, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये मत पूछना सर कौन सी किताब से करा रहे हो, कौन सा पेज नंबर है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है। The thing is that question कराना, मैं हमेशा ये चीज बोलता हूं कि अकाउंटेंसी इज ऑल अबाउट टॉपिक, इज नॉट अबाउट द राइटर। आप किस राइटर की बुक से पढ़ रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कौन सा टॉपिक देख रहे हो वो फर्क पड़ता है। सारे राइटर सारे टॉपिक अकाउंट में चाहिए, टॉपिक तो बदलेंगे नहीं। हाँ क्वेश्चन बदल सकते हैं, क्वेश्चन में राम भी देंगे शाम, शाम भी देंगे भगवान हो सकता है, बट अदर देन दैट और कुछ भी नहीं होता। ठीक है, चलिए एक प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों को करा देते हैं। तो भाई क्वेश्चन जो है वो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, तो भाई क्या है क्वेश्चन, मैं इसमें से कर लेता हूं। विथ जीएसटी वाला क्वेश्चन है ये, विथ जीएसटी वाला क्वेश्चन मैंने लिया, विदाउट वाला तो अपन बहुत सिंपल होता है, कुछ नहीं इधर उधर लिखना है। ठीक है, विदाउट, विथ जीएसटी में एक्चुअली विदाउट वाला भी आ जाता है कि बिना जीएसटी के भी ऐसे ही होगा, जीएसटी के साथ भी ऐसे ही होगा। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ पेटी कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल के लिए आपको पेटी कैश बुक बनानी है, मैं इसी में आगे कंटिन्यू कर देता हूं ताकि हमारे लिए थोड़ा सा काम बच जाए। ठीक है ना, हमारे को बहुत ज्यादा फायदा, देखो फायदा क्या, मिटा सकते हैं ना, आप नहीं मिटा सकते, हम मिटा सकते हैं। ठीक है ना, आप मिटाओ इसे, पेन का इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, पेन अपन ने थोड़ी सी बड़ी सी किताब बना ली है। तो पहली एंट्री क्या है, ड्यू फॉर पेटी कैश 5,000 रुपए, यानी कि 1 अप्रैल 2018 को 5,000 रुपए जो है वो पेटी कैश के नाम से मिले। तारीख डाल दी यहां 2018, यहां लिख दिया, यहां लिखा 1 अप्रैल क्या है, टू डेबिट साइड में टू लिखते ना, टू लिख दिया अपन ने, बैंक के नाम से लिख दो या कैश के नाम से लिख दो, टू यू बैंक ही लिखना, क्योंकि ट्रांजेक्शन बैंक के नाम से होता है, कैश दोगे ना तो पकड़े जाओगे, काला धन दिया तो ध्यान रखना इस बात का। हाँ जी, कितना मिला पैसा आया है इसलिए यहां लिख दिया 5,000 रुपए। अब समझना, पैसा महीने की शुरुआत में ही मिलेगा, उसके बाद सारा खर्चा होगा और कुछ भी नहीं होगा, सारा का सारा सिर्फ खर्चा ही खर्चा होगा। देखिए क्या है, पहला पेड फॉर पोस्टेज, तो यहां लिखेंगे बाय तारीख डाल देना, मैं तारीख में डाल रहा हूं, बाय पोस्टेज अकाउंट। ठीक है, वाउचर नंबर इसमें कुछ लिखना नहीं, अमाउंट लिख दिया आपने कितना है 300 रुपए, बस दिस इज इट, कम ऑन फटाफट। बाय पेड टेलीफोन बिल 400+6% सीधीएच, 6% है जीएसटी, तो 400 रुपए तो टेलीफोन बिल के दिए 6%, 24 रुपए सीजीएसटी के और 24 रुपए जो है एचजीएसटी के, तो यहां लिख देते हैं बाय टेलीफोन
₹400 बाय इनपुट सीजीएसटी और बाय इनपुट एसजीएसटी कितने 6% 6% 2400 ठीक है। उसके बाद क्या है पेड फॉर कार्टेज मैं इकट्ठा लिख रहा हूं बाय कार्टेज बाय पोस्टेज कार्टेज का खर्चा है ₹140 पोस्टेज का खर्चा है ₹200 पेड फॉर सन्ड्री सन्ड्री मतलब छोटा मोटा और खर्चा जिसका मैं बता नहीं सकता तो छोटा मोटा सब खर्चा मिला मिलू के बाकी जो था वो आपका इतना आ गया कितना आ गया ₹200 ठीक है। और लास्ट लिखा हुआ है आपका पूरा लिखने के मेरी राइटिंग बहुत खराब है पेड फॉर स्टेशनरी ₹300 प्लस जीएसटी 6% ईच ठीक है ना। तो यहां लिखा बाय स्टेशनरी कितना है स्टेशनरी का खर्चा ₹300 स्टेशनरी खर्चा आया बाय सीजीएसटी दिया है इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी 6% ₹3 का 300 का ₹18 और ₹18 ये सारे खर्चे अपने लिख दिए। अब देखो अब हो गया है काम खत्म अब अगला काम क्या करना है पूरा महीना खत्म हो गया अब आप ये चेक करेंगे कि ₹5000 जो मिले थे उसमें से खर्चा कितना हो गया तो खर्चे का कॉलम ये रहा हम इस खर्चे वाले कॉलम को कर लेते हैं कैलकुलेट और फिर अगले महीने के लिए पेटी कैश बुक वाले को या पेटी कैशियर को अपन क्या कर देंगे बचा हुए का पेमेंट कर देंगे जितने की उसको 5000 में से कम पड़ रहे हैं अगले महीने के लिए ठीक है। चलो लेट्स कैलकुलेट देखो हमेशा याद रखना कैलकुलेशन की मैंने एक चीज बता रखी है आप हमेशा 100 के नीचे 100 टेंस के नीचे टेंस और मंथ्स के नीचे मंथ्स लिखो जैसा बचपन में करते थे उससे कैलकुलेशन में टाइम भी बचेगा और स्पीड भी इंक्रीज होगी। देखो 700, 800, 1000 हो गया। उसके बाद अब टेंस वाला काउंट करता हूं मैं देखो 20 और 20 40 और 40 80 80 और 20 100 तो ये हो गया 1500। उसके बाद वंस वाला करूंगा अपने हिसाब से करो मैं मेरी कैलकुलेशन मेरे हिसाब से करता हूं 8 × 16 और 8 = 24 तो ये हो गया टोटल ₹1524 का आपका खर्चा हुआ है ₹5000 आपको मिले थे ₹1524 का आपका खर्चा हो गया यानी कि अल्टीमेटली आपके पास कितना बच गया बैलेंस बाय बैलेंस सीडी मतलब दूसरी तरफ का है ये 1524 काटे 5000 में से तो आए ₹3476 कितने आए 3476 कितने में से काटे आपने आपने काटे हैं पूरे के पूरे 5000 ठीक है। ये अपन ने खींच दिया लाइन देखो अकाउंट में एक चीज याद रखना मैं पहले बताना शायद भूल गया हूं लेजर के बाद ये लाइन जो दो लाइन खींच गई ना नीचे एक ऊपर इसके बीच में अमाउंट और फिर नीचे दो लाइन का मतलब आपका अकाउंट बंद हो गया इसके बाद कुछ नहीं लिखो महीना खत्म हो गया दो लाइन खींचने का मतलब ये होता है इसका महीने ठीक है। अब देखो आपके पास ये बैलेंस कैसा पड़ा है अपन ने पढ़ा है कि बैलेंस सीडी जहां होता है अगले महीने वो बैलेंस बीडी बन जाता है तो 1 अप्रैल से चालू किया था 1 महीने का था तो 1 मई 2018 यहां लिख दिया क्या टू बैलेंस बीडी ₹3476 ऑलरेडी पड़े हुए हैं तो अगले महीने 1 मई को आपको कितने पैसे मिलेंगे टू बैलेंस बैलेंस क्या टू बैंक कितने मिलेंगे 5000 टोटल करने हैं पूरे 3476 पहले से पड़े हुए हैं यानी कि आपको ₹1524 अभी और मिल रहे हैं इस महीने के ताकि आपके पास टोटल का बैलेंस कितना हो जाए ₹5000 हो जाए यानी कि अल्टीमेटली माने तो महीने की शुरुआत में आपके पास बैलेंस ₹5000 हो जाना चाहिए जितना भी खर्चा होता है वो आपको अगले महीने पे कर दिया जाता है और पहली तारीख को पेटी कैशियर के पास ₹5000 ही होते हैं अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये 4 नंबर का फोकट का क्वेश्चन आता है 4 नंबर का फ्री का क्वेश्चन आता है वो क्या करना है यार शुरुआत में बैंक लिख के वहां लिख देना पहले से जैसे कभी कभार क्या होता है बैलेंस दिखाते हुए पहले से पेटी कैशियर के पास ₹2000 पड़े हुए टोटल ₹5000 करना है तो आप क्या लिखोगे 2000 का बैलेंस लिख दिया फिर इस महीने का कितने मिले उसको टू बैंक करके ₹3000 और मिल गया ये महीने और उसके बाद सारे एक्सपेंस बाय के नाम सारे एक्सपेंस यहां लिखे टोटल मारा बैलेंस निकाल दिया कि भैया 1524 आ रहा था
यानी कि बचे कितने 5000 में से 1524 गए तो बचे 3476 रुपए इस महीने का उसके पास बैलेंस रह गया है, उसको यहां उतारा, अगले महीने कितना मिलेगा उसको वो लिखा और आपके चार नंबर आपके जेब में हो गए। दिस इज अ फ्री फंड फोर मार्क्स फॉर यू फॉर क्लास 11 गाइस, ध्यान रखना पेटी कैश वाला क्वेश्चन कोई मत छोड़ के आना, प्रॉपरली देख लो। सिंपल पेटी कैश बुक बता दिया मैंने आज की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन यही लिखा हुआ था, अपन ने इसको यहां इसलिए लिखा है क्योंकि ये पूरा नहीं आया था इसमें, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, कल अपन मिलेंगे एनालिटिकल पेटी कैश बुक के साथ और देखेंगे कि कैसे काम करता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग, काउंट डाउन, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।